जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख चार्टर और अधिनियम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं 1772 में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स साहब बनते हैं। 1772 में बंगाल का गवर्नर कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जो थे, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर 1757 के पलासी के युद्ध के बाद बने थे। तो बंगाल का पहला गवर्नर आपसे पूछेगा गवर्नर, सिर्फ गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बने थे? तो 1772 में। तो 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स साहब बंगाल का गवर्नर बने, तो बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य को सही तरह से चलाने के लिए और प्रशासनिक सेवा सुधार करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक विधि का गठन किया जाता है, कानून का गठन किया जाता है, एक चार्टर लाया जाता है जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात ब्रिटिशकालीन भारत में भारत का पहला प्रशासनिक सेवा सुधार जो एक्ट था वो कौन सा एक्ट था? तो 1773 का रेगुलेटिंग है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, इसमें क्या किया गया? निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला बात कहा गया कि कोई भी आदमी भारत में जो है निजी व्यापार नहीं कर सकता है, निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, ये आपको याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरा पॉइंट में बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 6 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य? आपका 6 सदस्य। किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 6 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ये आपको याद रखनी है। तो 3 पॉइंट आपको बताएं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पहला पॉइंट क्या बताएं? निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। दूसरा पॉइंट में तो बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट में जो है 6 गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 6 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ये आपको याद रखना है। तो चौथा पॉइंट में पूरे भारत में प्रशासनिक सेवा सुधार करने के लिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1774 में एक आपका सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में किया गया था, कहां? तो कोलकाता में किया गया था। और इसमें टोटल कितने न्यायाधीश था? तो 4 न्यायाधीश था। इसमें कुल 4 न्यायाधीश जो है, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्डर और हाइड। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पो। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आपसे तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1782 में, और एक 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। पीट्स इंडिया एक्ट याद रखना है, पीट्स इंडिया एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1774 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? 1782 में। और पीट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? तो 1784 में। पीट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784 में।
ये डेट आप याद रखिए, डेट अक्सर एग्जाम में आपका पूछ रहा है। अब देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में जो कमियां था, जो भी कमी रह गया था, उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। 1782 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह भी आपका व्यवस्था कर दिया गया कि जो कोलकाता का सरकार होगा, जो कोलकाता का सरकार होगा, वही सरकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों जगह जो है कानून बना सकता है। यह आपका जो है 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। फिर से सुनिएगा, जो भी कोलकाता का सरकार होगा बिहार उड़ीसा में भी कानून बना सकता है। ये पहली बार व्यवस्था लाया गया 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में एक बात और लाया गया, क्या लाया गया कि जो भी गवर्नर जनरल का सदस्य होगा, गवर्नर जनरल का कोई भी सदस्य होगा, उसके बीच आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई काम कर रहा है तो अपना काम करेगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपका जो है गवर्नर जनरल के सदस्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत लाया गया था। अब आइए पीट्स इंडिया एक्ट, तो पीट्स इंडिया एक्ट में आपका पहला बात आप याद रखिएगा, पीट्स इंडिया एक्ट में पहला बात, इसमें नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किया गया था, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किया गया था, यह आपको याद रखना है। और नियंत्रक बोर्ड में आपका ब्रिटिश कंपनी का जो भी कार्य था, ब्रिटिश कंपनियों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कार्य था, उनके कार्यों को दो भाग में बांट दिया गया। कार्यों कितने भाग में बांट दिया गया, दो भाग में बांट दिया गया। एक आपका जो है राजनीति, ये आपका व्यापारी कार्य और एक आपका राजनीतिक कार्य याद रखिएगा। नियंत्रक बोर्ड के आपका जो है नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया और नियंत्रक बोर्ड के गठन के साथ साथ पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भाग में बांट दिया गया, एक आपका व्यापारी कार्य और एक आपका जो है राजनीति कार्य। तो व्यापारी कार्य के लिए, व्यापारी कार्यों को देखरेख के लिए एक नया आपका जो एक अलग विभाग की स्थापना किया गया और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया गया, याद रखिएगा। तो व्यापारी कार्यों के देखरेख के लिए कौन सा विभाग, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। और राजनीतिक कार्यों को देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर याद रखना है, कंट्रोलर का गठन किया गया था राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए। तो इतना आपको याद रखना है दोस्त, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और गवर्नर जनरल की जो है परिषद के देखरेख के लिए 6 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, इसमें जो है कलकत्ता की सरकार को बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विधि निर्माण या कानून बनाने की शक्ति दे दिया गया। और इसी 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, गवर्नर जनरल जो भी कार्य करेगा वो अपना करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में आपका जो है ला दिया गया। 1784 का जो है पीट्स इंडिया एक्ट, तो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, तो 1784 का पीट्स इंडिया में सबसे पहला बात नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किया गया, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किया गया और नियंत्रक बोर्ड का काम क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को देखरेख करना था, याद रखना है।
नियंत्रक बोर्ड में आपका जो है सदस्य थे, और इसमें आपका जो है सदस्य जो थे वो आपका क्या करते थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर को देख रेख करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को देख रेख करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भाग में बांट दिया गया, एक आपका व्यापारी कार्य और एक आपका राजनीति का। व्यापारी कार्य का देखरेख कौन कर रहा था, तो व्यापारी कार्य का देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राजनीति कार्य का देखरेख कौन कर रहा था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, याद रखना है। अब इसके बाद आइए 1793 का चार्टर है, 1793 का चार्टर है, तो 1793 के चार्टर में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बात आप याद रखिएगा, इसमें एक बात आप याद रखिए, इसमें क्या एक बात याद रखना है, 1793 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि नियंत्रक बोर्ड का जितना भी सदस्य था, नियंत्रक बोर्ड का जितना भी सदस्य था सभी का वेतन भत्ता भारतीय कोष से दिए जाने की व्यवस्था कर दिया गया। भारत के लिए जो रुपया पैसा खर्च होगा, जहां पर भारत के लिए आपका जो भारत की सुरक्षा के लिए जहां पर रुपया पैसा जमा होता है, वही आपका कोष से नियंत्रक बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन भत्ता दिया जाएगा। अब जो है कंपनी नहीं देगा, नियंत्रक बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन भत्ता कंपनी नहीं देगा, कोई कंपनी नहीं देगा, अब कौन देगा, तो आपका भारतीय कोषों से दिया जाएगा। भारतीय कोष में भारतीयों की सुरक्षा के लिए आपका जो है जो राजा महाराजा थे वो आपका जो है पैसा रखते थे और आपका जो है सुरक्षा देते थे भारतीय जनता को, उसी से आपका जो है ब्रिटिश कंपनी या सैनिक या जो भी आपका अधिकारी था उसका वेतन भत्ता देने की व्यवस्था कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों का वेतन भत्ता भारतीय कोष से दिया जाने लगा, कब दिया जाने लगा, तो 1793 के चार्टर एक्ट में, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रक बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन भत्ता कहां से, भारतीय कोष से दिया जाने लगा, यह आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं 1757 पलासी का युद्ध बताएं, इसके बाद आपका जो है 1757 के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताएं, इसके बाद 1782 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताएं, इसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट बताएं, पीट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट बताएं, 1793 का चार्टर एक्ट बताएं। आपसे पूछेगा भारत में या बंगाल में निजी कंपनियों यानी आपका निजी कंपनियों पर व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया, निजी आपका जो है कंपनियों को व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया, कौन से चार्टर एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग है। बंगाल के गवर्नर को पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कर दिया गया, 1773 का रेगुलेटिंग है, याद रखनी है। पीट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, 1782 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया, 1784 में। नियंत्रक बोर्ड का स्थापना कब किया गया, 1784 में। नियंत्रक बोर्ड का स्थापना 1784 में। व्यापारिक कार्य का देखरेख कौन करता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक कार्य का देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और रणनीतिक कार्य का देखरेख बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, रणनीतिक कार्यों को देखरेख कौन करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करता था, याद रखना है। नियंत्रक बोर्ड के जो है सदस्यों का वेतन भत्ता भारतीय कोष से जो है कब दिया जाने लगा, कब से दिया जाने लगा, तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रक बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन भत्ता भारतीय कोष से देने की प्रथा कब शुरू कर दिया गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, यह आपको याद रखनी है, 1793 का चार्टर है। तो इतना बात आपको याद रखनी है, अब आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट आते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट आते हैं, अब आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए यहां पर आप लोग याद रखिएगा, हमारा टारगेट यही रहता है कि आपको जो है पढ़ाना, समझाना और याद करवाना। आप पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिए, जितना भी पढ़ाएंगे उन सभी टॉपिक पर आपका कमांड हो जाएगा, पूरी अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जितना भी आपको पॉइंट बताएंगे सारा पॉइंट आपको जो है कवर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट में।
1813 का चार्टर एक्ट में सबसे पहला बात क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रहा है और वह कंपनी पूरी तरह से आपका जो है व्यापार कर रहा है, किसी दूसरा आपका अंग्रेजी कंपनी या किसी दूसरे आपका कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति को भारत के साथ व्यापार करने नहीं दे रहा है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में व्यापारिक क्षेत्रों पर एकाधिकार था, तो उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, कंपनी का एकाधिकार भारत में जो आपका कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस आपका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, अर्थात पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था। तो 1813 का चार्टर एक्ट में यह पहला पॉइंट याद रखना है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे आपका जो है बना रहने दिया, वो आपका जो है आपका चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार जो है कंपनी के साथ जो कर रहा था वो आपका था, लेकिन आपका जो है और सभी चीजों पर व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया और अन्य अंग्रेजों को कुछ शर्तों के साथ भारत में व्यापार करने की छूट दे दिया गया। जब कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, जब कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया तो अन्य अंग्रेजों को या अन्य देशों को जो है जो भी आपका व्यापार करना चाहता था भारत के साथ उसको कुछ शर्त के साथ व्यापार करने की छूट दे दिया गया कि भाई व्यापार कर सकता है। तो यह व्यवस्था लाया गया 1813 का चार्टर एक्ट में। इसके बाद दूसरा पॉइंट में आप याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट में बताया गया कंपनी जो है वो गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल के परिषद में जो सदस्य होगा उसका नियुक्ति कंपनी ही करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। ये निश्चित कर दिया गया कि आपका जो है गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में जो भी सदस्य होगा या सेनापति होगा, कुछ भी अधिकारी होगा कंपनी का, वो नियुक्ति कौन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, ब्रिटेन का क्राउन या संसद नहीं करेगा, कौन करेगा, तो कंपनी ही करेगा, फिक्स कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट में क्या कहा गया, तो भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट में क्या कहा गया, तो चौथा पॉइंट में कहा गया कि भारत में जो भी कंपनी है, भारत में कंपनी है तो भारत में कंपनी शिक्षा या अन्य सभी आपका सुविधाओं के लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 रुपया खर्चा करेगा, ये व्यवस्था कर दिया गया। कंपनी जो है भारत में शिक्षा या अन्य प्रकार की जागरूकता जो है फैलाने के लिए एक वर्ष में कितना लाख रुपया खर्चा करेगा, तो 1,00,000 रुपया खर्चा करेगा, ये व्यवस्था कर दिया गया, ये प्रावधान लाया गया, ये आपको याद रखनी है। और एक पांचवा पॉइंट में याद रखिएगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की मान्यता दे दिया गया, ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की मान्यता दे दिया गया 1813 का चार्टर है, 1813 का चार्टर एक्ट याद रखना है। तो पहला पॉइंट में क्या बताएं, तो पहला पॉइंट में आपको बताएं याद रखना है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, याद रखना है कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार था उसको रहने दिया गया था, याद रखनी है। दूसरा पॉइंट बताएं, गवर्नर या गवर्नर जनरल के जितना भी कार्यकारिणी परिषद है उन सभी की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, याद रखना है। तीसरा पॉइंट बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और चौथा पॉइंट बताएं आपको, चौथा बताएं कि भारत में जो है कंपनी शिक्षा के लिए प्रति वर्ष
1,00,000 रुपया खर्चा करेगा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। प्रति वर्ष कितना खर्चा करेगा? 1,00,000 रुपया खर्चा करेगा। यह आपको याद रखनी है। और जब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की मान्यता या छूट भी दे दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट में, तो यह आपको याद रखनी है। ऐसे यहां पर ज्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि सब याद रखना है। पहला पॉइंट, व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा पॉइंट जो है, कंपनी का 20 वर्ष के लिए अधिकार बढ़ा दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट, याद रखना है। और जो है, कंपनी को प्रति वर्ष भारत में शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए 1,00,000 रुपया खर्चा करने की प्रावधान कब लाया गया? 1813 का चार्टर एक्ट में, याद रहे। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार 1813 का चार्टर एक्ट में लाया गया, ये आपको याद रखनी है। तो रेगुलेटिंग एक्ट बताएं, पीट्स इंडिया, ये आपका जो एक्ट ऑफ स्टेटमेंट बताएं, पीट्स इंडिया एक्ट बताएं, 1793 का चार्टर एक्ट, नियंत्रक बोर्ड कर्मचारियों का वेतन भत्ता कहां से दिया जाएगा? भारतीय कोष से दिया जाएगा। और 1813 का चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का व्यापारिक जो भी आपका भारत में अधिकार था उसको आपका 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और 1,00,000 रुपया एक वर्ष में खर्चा करने का प्रावधान किया गया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का यह प्रावधान लाया गया 1813 का चार्टर एक्ट में। अब आइए 1833 का आपका जो है चार्टर है, 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग आते हैं, तो 1833 का चार्टर एक्ट में देखिए, 1833 का चार्टर है, इसमें भी ज्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट है 1833 का चार्टर एक्ट में। 1833 का चार्टर एक्ट में पहला पॉइंट याद रखिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, भारत का मालिक बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, कौन से आपका चार्टर एक्ट के तहत? 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखना है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस तरह 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग बने थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग साहब बने थे 1828 में, तो 1833 में भी लॉर्ड विलियम बैटिंग साहब थे, 1828-1835 तक रहे थे, 1833 में भी यही थे। अर्थात 1833 का चार्टर एक्ट जो लाया गया था उस किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के शासनकाल में, याद रखना है, लॉर्ड विलियम बैटिंग। इस तरह से जब 1828 में जब बने थे तो बंगाल का गवर्नर जनरल, और 1833 में बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बैटिंग कहलाएं। तो 3 क्वेश्चन पहले बताएं और 2 क्वेश्चन ही बताएं, 5 क्वेश्चन होंगे यहां पर। पहला बताए थे बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग।